अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 1 जून 2024 शनिवार के रोज पेड़गांव जिला परिषद सर्कल में ब्रह्मपुरी स्थित विधायक बाबा जानी दुरानी इनके माध्यम से 10 लाख रुपयों के निधि का पेवर ब्लॉक काम का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। इस समय ब्रह्मपुरी पेड़गांव स्थित कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ संतोष देशमुख तहसील अध्यक्ष ये भी मौजूद थे। मुंबई में मौत हुए गंगाखेड़ तहसील के ढौड़ के वाड़ी स्थित विवाहित का मृत शरीर उसके रिश्तेदारों ने गंगाखेड़ पुलिस थाने में लाकर ससुराल के लोगों के खिलाफ अपराध दाखिल करने की मांग करते हुए पुलिस थाने के बाहर भीड़ जमा हो जाने से कुछ समय के लिए तनाव का माहौल निर्माण हुआ। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि गंगाखेड़ तालुके के ढालकेवाड़ी से काम के खातिर मुंबई के नाला सुपारा क्षेत्र में यह शादीशुदा जोड़ा रहा करता था। तारीख 25 मई 2024 के रोज पूजा लक्ष्मण राठौड़ उम्र 23 साल इस विवाहिता ने चूहे की दवा खाने की वजह से इलाज के लिए मुंबई स्थित अस्पताल में दाखिल किया गया। तारीख 30 मई के रोज इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करते हुए मृत शरीर को रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले की नोट वहां के पुलिस थाने में लिए जाने की जानकारी मिलते हुए तारीख 1 जून के शनिवार के रोज सुबह पूजा लक्ष्मण राठौड़ रहने वाली ढौकेड़ेवाड़ी तालुका तहसील फिलहाल रहने वाले मुंबई इस विवाहिता का मृत शरीर मुंबई स्थित एम्बुलेंस से गंगाखेड़ में आते ही विवाहिता के मायका पेमा तांडा उजमा तालुका अहमदपुर जिला लातूर स्थित रिश्तेदारों ने मृत शरीर के साथ एम्बुलेंस को सीधा गंगाखेड़ पुलिस थाने में लेकर आए। थाने के प्रवेश द्वार पर ही एम्बुलेंस को रोकने के बाद विवाहिता के परिजनों ने थाने के सामने भीड़ लगा दी और मांग की विवाहिता के मौत के मामले में गंगाखेड़ थाने में ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। विवाहित महिला मुंबई में हुई घटना को लेकर गंगाखेड़ थाने में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने से इनकार किए जाने के कारण गंगाखेड़ थाने के सामने करीब 6 से 7 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि परिजन दोपहर करीब 1 बजे एम्बुलेंस से शव को लेकर चले गए, लेकिन इस विवाहित की मौत का कारण क्या है और इस मामले में मुंबई के थाने में क्या केस दर्ज किया गया है, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस पर बनी 11, 12 नीट और बोर्ड की क्लासेस 10 साल से खिदमत में। 11वें साल की इब्तिदा सिर्फ स्टूडेंट्स के कहने पर 3 जून 2024 से 11वीं नीट की बैच शुरू। जल्दी करें एडमिशन सीमित समय तक। टाइमिंग 2:30 से 3:30। मोबाइल नंबर 9011633248। एड्रेस पाटिल हॉस्पिटल, पेड़गांव रोड, इनायत नगर, परभनी। साजिद सर बायो वाला, नेट PhD बायोलॉजी। परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 2 में मदीना नगर के इस साल 10वीं और 12वीं के परीक्षा में बैठे हुए छात्र अच्छी बाजी मारने के कारण इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के खातिर यहां के नगर सेवक पाशा कुरैशी और अब्दुल मोईज इन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया और उनका सत्कार किया गया। इस समय तमरीन अंजुम, अलीना फातिमा, नाजिया फातिमा, मिसबा तहरीन, उज्मा फातिमा, तहरीन सरवरी छात्राओं का सत्कार बुशरा फातिमा, अब्दुल मोईज इन्होंने किया। इसी इलाके के छात्र रजा बेग, मोहम्मद तोहिद खान, इनका सत्कार नगर सेवक पाशा कुरैशी, अब्दुल मोईज इन्होंने किया। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता फेरोज बेग, सैयद रफीक पेड़गांवकर, सैयद दादन, शेख फारूक बावरची, शेख शेरू, इरशाद सरवरी, इरशाद खान, सैयद अशफाक, सोयल खान, सैयद अजीद, शेख बाबा मियाँ, शेख जावेद, इब्राहिम बेग, अब्दुल्ला अंसारी, सैयद वाजिद, शेख शौकत, शेख साजिद, शोएब बेग सत्कार कार्यक्रम में मौजूद थे। वॉलीबॉल खेलते समय छोटे बच्चों को मारपीट क्यों करते हो, ऐसा पूछे जाने पर अपराधी ने मिलकर एक को चाकू से मारकर गंभीर जख्मी किया। जख्मी को इलाज के लिए औरंगाबाद के खानगी अस्पताल में दाखिल किया गया। इलाज के दरमियान दिए गए तकरार पर 31 मई 2024 शुक्रवार के रोज अपराधियों पर नानलपेट पुलिस थाने में गुनाह नोंद की गई है। मारपीट की घटना शहर के अंबिका नगर स्थित मैदान पर हुई है। इस मामले पवन दिलीप सहजराव उम्र 24 साल इन्होंने तकरार दी है कि अंबिका नगर स्थित मैदान पर मित्रों के साथ वॉलीबॉल खेलते समय उन्होंने आरोपी को कहा कि यहां के छोटे बच्चों को मारपीट क्यों कर रहे हो, ऐसा पूछने पर अपराधी ने चाकू निकालकर मारना शुरू किया और फाइटर से मारपीट करने से गंभीर जख्मी किया गया। इस इलाज के दौरान दिए गए फिरियाद पर तुषार थोरात, साहिल थोरात, अभिजीत थोरात, अनिता थोरात, इन पर अपराध की नोंद की गई है। आगे की जाँच API भिकाने कर रहे हैं। परभनी जिले के सुशिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए परभनी जिला कौशल्य विकास रोजगार और उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र जिजाऊ ITI परभनी इनके संयुक्त से आज तारीख 1 जून 2024 शनिवार के रोज सुबह 10 बजे से तो शाम के 5 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन का
आयोजन परभनी शहर के जिजाऊ आईटीआई संस्कृति सभागृह पाथरी रोड स्थित आयोजित किया गया। परभनी जिले में बड़ी संख्या में उद्योग न होने के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, इसलिए परभनी जिले के जरूरतमंद और शिक्षित बेरोजगार लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर प्रदान करने इस उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के कौशल्य विकास विभाग द्वारा इस भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। स्वयं रोजगार ऋण के बारे में जानकारी देने के लिए इस सभा में 40 से 45 कंपनियां और स्वयं रोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध देने की जानकारी देने के लिए यहां महामंडल के उद्योजक शामिल हुए थे। दिए गए इस रोजगार सम्मेलन में 1000 से 1500 उम्मीदवार हाजिर हुए। इस रोजगार सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए जिजाऊ तीर्थ के अध्यक्ष रामराव लोहट, सचिव नितिन लोहट, कोषाध्यक्ष उषाताई लोहट, प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर तरवटे, सरकारी आईटीआई प्रिंसिपल आड़े सर, उद्योजकता सहायक आयुक्त खंदारे आदि के साथ जिजाऊ आईटीआई कर्मचारी ने मेहनत की। नमस्कार, मी प्राध्यापक ज्ञानेश्वर तरवटे, प्राचार्य जिजाऊ आईटीआई परभणी। आज दिनांक 1 जून 2024 रोजी महाराष्ट्र शासन जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता केंद्र परभणी व जिजाऊ आईटीआई पाथरी रोड परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दिनांक 1 जून 2024 रोजी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन जिजाऊ ज्ञानतीर्थ शैक्षणिक संकुल जिजाऊ आईटीआई परभणी येथे करण्यात आलेले आहे। या रोजगार महारोजगार मेळाव्यास 49 अधिक वेगवेगळ्या नामांकित MNC आणि दुसऱ्या अदर कंपनीज येथे आलेल्या आहेत। तसेच या रोजगार मेळाव्यास जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग आणि एनी ग्रॅज्युएट विद्यार्थी जवळपास 1000 अधिक विद्यार्थी येथे आलेले आहेत। त्यातील जवळपास 700 ते 800 विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून रोजगार 100% मिळणार आहे। संस्था सचिव आदरणीय नितीन लोहट सर, आमचे अध्यक्ष रामरावदादा लोहट व जिल्हा कौशल्य विकासचे सहायक आयुक्त आदरणीय खंदारे साहेब यांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनातून हा रोजगार मेळावा येथे संपन्न होत आहे आणि भविष्यातही महाराष्ट्र शासनाच्या या विभागाकडून व आमच्या जिजाऊ आयटीआय परभणीकडून अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे महारोजगार मेळावे आम्ही आयोजित करू आणि परभणीतील जे काही बेरोजगार किंवा शेवटच्या वर्षात शिकणारे जे विद्यार्थी आहेत यांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देऊ अशी मी संस्थेच्या वतीने आणि साहेबाच्या वतीने ग्वाही देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। ट्रेंडिंग ब्रदर्स बच्चों के मनोरंजन का चैनल। ये चैनल बच्चों के कॉमेडी वीडियोस और हर तरह के एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं। ट्रेंडिंग ब्रदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी के सांसद संजय जाधव इनके जन्मदिन के अवसर पर आज तारीख 1 जून के रोज संजय जाधव इनके चाहने वालों ने रक्तदान शिविर और पौधारोपण और विविध उपक्रम लेकर उनका जन्मदिन मनाया गया। लक्ष्मी मंगल कार्यालय में जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उसी तरह मंदिर और अन्य जगहों पर, शिक्षा संस्थानों के जगहों पर पौधारोपण किया गया। बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन इस समय मनाया गया। रक्तदान शिविर में जाकर वहाँ विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने मुलाकात देते हुए मंदिरों में जाकर जिस तरह पौधारोपण किया गया उनके साथ इस समय उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, युवा सेना जिला प्रमुख अर्जुन सामाले, सो अंबिका डहाड़े, अनिल डहाड़े, ज्ञानेश्वर पवार, प्रशांत ठाकुर, नवनीत पासपोर, पांडुरंग देशमुख, संदीप झाड़े, विष्णु ढाड़े, बाड़राज तड़ेकर, रामराव डोंगरे, उत्तम मुळे, भगवान धस, गणेश मुळे, गोविंद इक्कर, निखिल जैन, सो जयश्री आड़ने, सुनीता सोनोने, सरस्वती शिंदे, ललिता गायकवाड़, सो कुलकर्णी, देटनकर, शिवाजीराव वांगे, शिवाजी चोपड़े, वेंकटेश वर्मा, मकरंद कुलकर्णी, दामोदर सानप आदि समय हाजिर थे। जिंतूर में ST की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्षगांठ के अवसर पर जिंतूर बस स्टेशन के यात्रियों को फूल मालाएं और पेड़े देकर उन्हें सम्मानित करते हुए सालगिरह मनाई। उस समय आगर प्रमुख मनीष खेम्बेकर, प्रवासी संघ के अध्यक्ष सचिन राय पत्रीवार, प्रवासी संघ के उपाध्यक्ष पत्रकार महेश देशमुख, उपभोक्ता पंचायत संघ के जिला अध्यक्ष गुलाबराव शिंदे, वरिष्ठ पत्रकार माजिद भाई, पूर्व वाहक गंगाधर अप्पा टाले आदि इस समय मौजूद थे।
अगर प्रमुख इन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि एसटी महामंडल के विविध सहूलतों का लाभ उठाए। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए स्थानक प्रमुख भगवान चिबड़े, वाहतुक निरीक्षक SB पाटिल, वाहतुक वरिष्ठ लिपिक गजानन घुगे, वाहतुक नियंत्रक संदीप भामले, प्रशासन लिपिक मुंडे, वाहक शेड के निरीक्षक पंडित भामले, इस समय संचालन गजानन घुगे ने किया। इस समय बड़े पैमाने पर कर्मचारी हाजिर थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है। साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। निर्माल्य संग्रह से खाद्य का उत्पादन होगा। अपनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल की ये संकल्पना को कार्यान्वित की जाएगी, ऐसा सांसद संजय यादव इन्होंने आज 1 जून 2024 के रोज उनके जन्मदिन के अवसर पर, अभिशिष्ट चिंतन दिवस के अवसर पर उक्त अभियान का शुभारंभ शनि मंदिर से संजय यादव इनके हाथों के उद्घाटन करते हुए किया गया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख संजय गाड़गे, युवा सेना जिला प्रमुख अर्जुन सामाले, श्रीमती अंबिका डहाड़े, अनिल डहाड़े, ज्ञानेश्वर पवार, प्रशांत ठाकुर, नवनीत पासपोर, पांडुरंग देशमुख, संदीप झाड़े, विशु ढाड़े, बाळासाहेब तळेकर, रामराव डोंगरे, उत्तम मुळे, भगवान दास, गणेश मुळे, गोविंदराव इक्कर, निखिल जैन, सो जयश्री आडने, सुनीता सोनोने, सरस्वती शिंदे, ललिता गायकवाड़, सो कुलकर्णी, दैठनकर, शिवाजीराव वांगे, शिवाजी चोपड़े, वेंकटेश शर्मा, मकरंद कुलकर्णी, दामोदर सानप आदि समय हाजिर थे। अपनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सभी हिंदू मंदिरों में हर रोज बड़े पैमाने पर निर्माल्य जमा होता है। इस हिंदू संस्कृति में अनन्य साधारण महत्व है। पूजा की अर्चना होने के बाद निर्माल्य कचरा पेटी में या फिर नदी में डाला जाता है, जिससे पानी में डालने के कारण पानी भी खराब होता है। इसलिए निर्माल्य से कंपोस्ट खत निर्माण करने की संकल्पना विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने रखते हुए निर्माल्य को घर के पास के मंदिर में संग्रह कलश में रखे ऐसा और उससे खाद उत्पादन होगी, ऐसे ही समय उन्होंने जानकारी दी। परभणी शहरातील सर्व जवळजवळ 150 मंदिरातील जो काही मंदिराला फुलं असतील, बेल असेल, नारळाच्या काही वर्षाच्या असलेल्या शेंड्या असतील, अनेक प्रकारचा जो काही त्या ठिकाणी जमा होणारा निर्मूलन असतील, हे सगळं निर्माल्यातून खत निर्मिती करण्याचा एक संकल्पना माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांनी या ठिकाणी रुजवण्याचा प्रयत्न केला। निश्चित एक चांगल्या प्रकारची म्हणजे एक नूतन भविष्यातील एक आगळेवेगळे कल्पना रुजवण्यासाठी राबवली त्याबद्दल त्यांचं पहिले अभिनंदन करतो। सुटली ही सगळी घाण आपण उचलायचो, इकडे तिकडे टाकायची किंवा इकडे टाकायची नाही, मग विहिरीत देऊन टाकायची, मग विहिरीतलं पाणी घाण होणार, लोकांना पिण्यासाठी अस्वच्छता निर्माण होणार, त्यामुळं एक चांगल्या प्रकारचा प्रकल्प या ठिकाणी आमदार साहेबांनी त्याच्या परभणी मेडिकल कॉलेजच्या ग्राउंडवर या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। निश्चित त्याच्यातून एक चांगला खतसुद्धा निर्माण होईल आणि घाणसुद्धा दूर होईल, एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो आणि परभणीतल्या सर्व नागरिकांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपल्या मंदिरातली जे काही मंदिर संस्थान आहेत त्या सगळ्या ट्रस्टींना माझी विनंती असेल की हा सगळं निर्माल्य आपण या ठिकाणी ह्या निर्माल्य समितीची जी वाहन येईल त्या वाहनामध्ये टाकायचं आणि ते वाहन माल्य त्यांच्या जागी नेऊन त्या ठिकाणी खत निर्माण करण्याचं काम करतील। अशा सरकारचा अभूतपूर्व असा कार्यक्रम मला वाटते हा महाराष्ट्रातला पहिला उपक्रम असेल, त्याबद्दल या ठिकाणी परब आमदार साहेबांचे पुनश्च एकदा मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि परभणीकरांनाही या ठिकाणी या निमित्ताने शुभेच्छा देतो।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। क्रांति फाउंडेशन की ओर से मनुस्मृति को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करने की मांग करते हुए एक निवेदन आज सेलू विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से शिक्षा मंत्री को दिया गया। आज दिए गए निवेदन में कहा गया है कि हम मानवतावादी विचारधारा को किसी भी तरह से शिक्षा के पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे। मौके पर क्रांति फाउंडेशन की अध्यक्षा पूर्णिमा जोहिरे ने कहा कि मानवतावादी विचारों से शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को ग्रहण लगाने के और शिक्षा को भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अगर से नहीं रुकाया गया तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया जाएगा, निवेदन में कहा गया है। निवेदन देते समय क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्षा पूर्णिमा जोहिरे, इस समय निर्मला निपने, सीमा शेख, शुभांगी सांगले, आरती मुजमुले, बिरखी शेख आदि हाजिर थे। करत नाही किंवा कुठल्या पक्षाचा आम्ही विरोध करत नाही, फक्त आम्ही एक महिला म्हणून आणि जागृत नागरिक म्हणून आणि सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही आमचा जो चळवळ आहे ती आम्ही सतत चालू ठेवणार आहोत आणि सरकारने कृपा करून हे जे मनुस्मृतीचं धोरण अवलंबलेलं आहे आणि जे तुम्ही अभ्यासक्रमामध्ये मनुस्मृती घेत आहात ती अतिशय चुकीची आहे। येणारी पिढी आपली काय त्याच्यामधून शिक्षण घेणार आहे, म्हणजे आपण जे बरोबरीला समता समान। आज तारीख 1 जून को दोपहर के आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नवा मुंडा क्षेत्र में किसानों के साथ बातचीत करते देखा गया। कई किसानों ने आम आदमी पार्टी के अधिकारियों को सूचित किया कि कुछ विक्रेता कमी के कारण और सरकी बीज, कबाड़ी और 70-67 के साथ साथ DAP भी ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश चकोर स्वयं और उनकी टीम दोपहर की चिलचिलाती धूप में नवा मुंडा क्षेत्र में घूम रहे थे। जब उन्होंने कुछ विक्रेताओं से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कबड्डी सरकी के बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नाराज किसानों ने एक ही दुकान पर से बीज उपलब्ध कराए। ये अनुभव आम आदमी पार्टी के दबाव के कारण अलग अलग 20 से 25 किसानों को किया गया। इस समय आम आदमी पार्टी के सतीश चकोर ने फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों को अनुरोध किया है कि व्यापारों द्वारा एक ही प्रकार के बीज की मांग अधिक होने के कारण उन्हें भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका भंडारण कर रहे हैं और इसे ऊंची कीमत में बेच रहे हैं, ऐसे नवा मुंडा क्षेत्र में दिखाई देने के कारण आम आदमी पार्टी ने प्रवेश करते हुए व्यापारियों को और किसानों को अपने ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने जिला कृषि अधिकारी दीपक सामाले पर फोन से बातचीत की। उन्होंने इस समय चकोर से शिकायत दर्ज करने की बात कही और जो विक्रेता है वो विक्रेता इस तरीके से ऊंचे दाम में बेच रहे हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी लिखित रूप में तकरार देने की बात कही। इस समय आम आदमी पार्टी के अनिल देशमुख महाजिला महासचिव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।